और आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का वीडियो आपको दिखाते हैं। बदमाशों ने पूर्व मंत्री की पत्नी से चेन स्नैचिंग कर ली है। कंकड़बाग एमआईजी कॉलेज में पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी जा रही थी, उसी वक्त दो बदमाश बाइक से वहां पहुंचे और गले से सोने की चेन खींचकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक दिखाते हुए आसपास के लोगों को धमकाया भी और आराम से बाइक पर सवार होकर चलते बने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए वो बदमाश है जो ऑरेंज टी शर्ट में नजर आ रहा है और ये पहुंचता है, चेन खींचता है और बाइक पर सवार होकर ये बदमाश फरार हो जाते हैं। वहां आसपास लोग मौजूद हैं लेकिन बंदूक दिखाकर इन लोगों को डरा धमका कर यहां से ये बहुत ही इत्मीनान से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। बोला कि मार देंगे नहीं तो चैन दे दो। एकदम पिस्तौल, गला में माथा में ठका दिया। बोला कि जान मार देंगे नहीं तो पिस्तौल दे दो, चैन दे दो। कितने की संख्या में थे? बोलो तीन था, दो मेरे पास आ गया और एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। क्या पुलिस की गश्ती नहीं होती है रात में या सुबह में? नहीं। बेफिक्र हैं यहाँ लुटेरे बदमाश और किस तरीके से बड़े ही बेखौफ होकर इत्मीनान से आराम से चेन लूटकर भाग गए, आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बहुजन समाज पार्टी में एक और तूफान आ गया है और ये तूफान लाने वाले पार्टी के निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इस पर मायावती ने भी पलटवार करते हुए उन्हें ब्लैकमेलर बता दिया है। कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया के सामने ऑडियो टेप जारी किए हैं जिसमें दावा किया गया कि मायावती उनसे 50 करोड़ रुपए मांग रही हैं। जी न्यूज नसीमुद्दीन के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल नए आरोपों के बाद मायावती की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी में खलबली मची हुई है। यूपी में करारी हार के बाद सदमे के दौर से गुजर रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा आरोप लगा है। कभी मायावती के खासम खास रहे और अब बीएसपी से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में मीडिया के सामने एक ऑडियो टेप जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने मेंबरशिप बुक के नाम पर 50 करोड़ रुपए लाकर दफ्तर में जमा करने की बात की। ठीक ठीक भाई जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है। लोनी जी भाई जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अपर पाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जरा रुक जी। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई थी। मैं नहीं, और ये आपके आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी से दिलवाई थी उनको किताबे। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। बोलो वो जो सवाल खास वाला है जी बहन जी, मोदी नगर वाला है, वो जो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबड़ जाए तो मैं चला भी जाऊँ। मैं चला भी जाऊँगा। पाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आना खानी कर रहे हैं। मतलब मैं बहन जी चला भी जाऊँगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता, मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको पहुँचूंगा। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की इस सर्जिकल स्ट्राइक से मायावती का बेचैन होना लाजमी था। मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये स्पष्ट हो गया है कि जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं
कि जहां जहां भी मैंने इनको लगाया तो वहां इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारे मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोबाइल पर टेप की गई बातचीत को मीडिया के सामने सुनाते हुए दावा किया कि जिन लोगों को यूपी चुनाव में टिकट बांटे गए थे उनसे मायावती ने पैसे मांगे थे और 50 करोड़ रुपए देने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि मायावती ने कहा था कि प्रॉपर्टी बेचकर पैसा पार्टी को दो। जी भाई, ये जो चारों मंडल हैं, जी भाई जी, तो ये मेरठ मंडल, जी भाई जी, सहारनपुर मंडल, जी भाई जी, ये मुरादाबाद मंडल और बपेली मंडल, जी भाई जी, तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं, जी भाई जी, तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें, 9 तारीख को उनको बुलाना। ठीक भाई जी, 9 परसों अपने हिसाब बोल दो, अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला वो भी अपना हिसाब कंप्लीट करके ले गया है। जी भाई जी, कल उससे बात हुई थी, नहीं थोड़े मैं टेलीफोन पे भी बात करना चाहती हूँ। मतलब बहन जी, मैंने बात हुई है, आप उनको बुलाओ। मैंने नहीं दिलवाई बहन जी, दत्ता सिंह राव थे, जिलाध्यक्ष थे, सब लोग पीछे पड़ के उन्होंने दिलवाई। आप उनको बुलवाओ, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप अपनी जिम्मेवारी लो। टिकट तो आपने दिलवाया था ना बहन जी, टिकट भी मैं नहीं चाह रहा था, आप बुला के जो भी कुछ है अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। मतलब नहीं, जो आप देंगे जिम्मेदारी निभाना बहन जी, उसमें मैं पीछे नहीं, मैंने कोई जिम्मेवारी जिम्मेवारी को निभाओ। नहीं बहन जी, भाग के कहाँ जाएंगे, अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि जो मैंने अभी नए लोग लगाए उनको ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगी इनके खिलाफ। बहन जी, जो आपका आदेश होगा मेरे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना, इन्होंने ज्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे, तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए। और मैंने उनको कहा कि भाई देखो, इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो। और नोटबंदी उससे पहले हुई थी तो वही पैसा हमने जो पूरे देश से आया था हमने बैंक में पार्टी के अकाउंट में जो आ गया था वो हमने जमा कराया था, जिसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। मायावती के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने मायावती के साथ बातचीत के ऑडियो टेप सार्वजनिक कर दिए हैं। नसीमुद्दीन का आरोप है कि मायावती ने चुनाव हारने के बाद मुसलमानों को गद्दार कहा और किसी भी सूरत में पार्टी को रुपए लाने के लिए दबाव बनाया। मायावती पर लगे आरोप गंभीर हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि नसीमुद्दीन के दावे अगर सही हैं, तो अब तक वो इस मामले में खामोश क्यों थे। बहरहाल उनके आरोपों ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।